नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एग्जाम फीवर में। दोस्तों, मेरा बाल विकास और मनोविज्ञान का अगला टॉपिक है अधिगम। अधिगम एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी TET परीक्षाएं या फिर शिक्षकों की जो भी परीक्षाएं हैं उसमें बाल विकास के जो प्रश्न आते हैं उसमें से अधिगम के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। ये ज़रूर याद रखिए, जिससे कि आपको याद रहेगा अधिगम का मतलब क्या है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। जो मनोवैज्ञानिक स्किनर थे उन्होंने क्या बोला, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जो अधिगम है वह व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसी भी चीज़ से सामंजस्य बिठाते चलो और उन चीज़ों को सीखते रहो, अपने व्यवहार में लेते रहो, यह क्या एक सीखना होता है। एक दूसरे मनोवैज्ञानिक थे क्रो एवं क्रो, इन्होंने क्या बोला, सीखना आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है। जो सीखना है वो क्या है, आदतों का ज्ञान का और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यानी उनको एक पाना है, उनको अपने अंदर समाहित करना है, वो क्या हो गया, सीखना। इसे बोलते हैं क्रो एवं क्रो। तो जैसे कि हम कोई भी आदतें हैं या कोई भी ज्ञान है उसको जो हम लेते हैं, उसको अपनाते हैं, सीखते हैं अपने अंदर, उन्हीं को वैसे ही हम यूज करते हैं, वो अपने काम करने लगते हैं, तो वो क्या सीखना हो गया। क्या जैसे बोलते हैं ना कि इस बच्चे ने इस बड़े से सब कुछ सीख लिया, उसी की तरह काम कर रहा है। तो यही इनका सिद्धांत है, यही उनके द्वारा इसकी परिभाषा है अधिगम की। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या बोला है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। इसका भी सेम मतलब यही है, जैसा ये है, जो किसी अनजाने के लिए जो एक नया ज्ञान है और नई प्रक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उनका अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया, यानी कि कुछ नए को सीखना, ये हो गया अधिगम, ये हो गया सीखना, ठीक है। और मैं मनोवैज्ञानिक गेट्स ने क्या बोला है, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। मनुष्य के अनुभव और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, इसके द्वारा उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, तो इसका मतलब उसने कुछ सीखा है, अपने अंदर कुछ बदलाव लाया है कुछ सीख के, तो इसे बोलते हैं सीखना, ठीक है। दोस्तों, अभी क्या है, ये तो थी अधिगम की परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों के मतों के अनुसार। अभी है अधिगम की विशेषताएं। उद्देश्यपूर्ण विकास, अनुकूल, निरंतर, विवेकपूर्ण, सार्वभौमिक खोज, नया कार्य, व्यवहार में परिवर्तन, वातावरण की उपज है। अधिगम की विशेषता क्या होती है, उद्देश्यपूर्ण, कुछ भी सीख रहे हैं तो उद्देश्यपूर्ण होता है, विकास होता है सीखने पर, अनुकूल और निरंतर लगातार होता है, कुछ भी सीखते रहो, विवेकपूर्ण है, सार्वभौमिक खोज है, नया कार्य है और व्यवहार में परिवर्तन आता है जैसा कि ऊपर बताया है, और वातावरण की उपज है, ठीक है। ये तो है अधिगम की विशेषताएं। अभी जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक और है, यह है अधिगम के सिद्धांत। यह भी काफ़ी पूछा जाता है कि अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, या यह अधिगम का सिद्धांत है या नहीं है। तो जो मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम हैं, मुख्य नियम कितने, 3 हैं, और गौड़ नियम कितने हैं, 5 हैं। तो इसके जो मुख्य नियम हैं 3, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आता है जैसे इसके 3 मुख्य नियम क्या हैं, बताया देता हूँ पहले, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव, संतोष और असंतोष का नियम। तो कभी भी आपके में एक क्वेश्चन आ सकता है, तत्परता का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया हुआ है, तो थॉर्नडाइक ने दिया, या फिर तत्परता का नियम किसके साथ संबंधित है, तो यह क्या है, अधिगम के सिद्धांत के साथ संबंधित है, ठीक है, इसे याद रखिए हमेशा। और इसके गौड़ नियम जो 5 वो क्या हैं, गौड़ नियम है, पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सादृश्यता का नियम, और सहान्वयत्मिक रूपांतरण का नियम, ठीक है। ये तो हैं इसके 5 गौड़ नियम, ठीक है दोस्तों। और एक और है इंपॉर्टेंट थिंग, ये है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के जो यहाँ पर क्या था, ये अधिगम के सिद्धांत थे, तो ये तो थे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। अभी एक सिद्धांत है वो कौन सा है, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, और अधिगम के सिद्धांत अधिगम के से संबंधित है। अभी देखिए थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत तथा अधिगम का संबंध सिद्धांत इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो आप इसके ये नाम याद रखिए इसको, अगर ऐसे आ जाए उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है,
या ऐसे आ जाए संयोजनवाद सिद्धांत या अधिगम का संबंध सिद्धांत, ये सब नाम किसके हैं? ये सब नाम है थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या फिर अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, इन सबका एक ही नाम है, इस नाम को आप याद कर लीजिए। और जो वैचारक हैं या फिर जो मनोवैज्ञानिक, वो कौन से हैं? थॉर्नडाइक। अभी क्या है, प्रतिपादक इसके कौन थे? थॉर्नडाइक। और उन्होंने प्रयोग किसके ऊपर किया था? बिल्ली के ऊपर। इसको भी याद रखिए, थॉर्नडाइक ने अधिगम का जो त्रुटि का सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि, यह किस के ऊपर प्रयोग किया था? बिल्ली के ऊपर। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अगला है क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत। इसका प्रतिपाद किया था बी एफ स्किनर ने। इन्होंने किस पे इसका प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पे। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, इन्होंने चूहे कबूतर पे। उपनाम क्या है? आर एस का सिद्धांत या संक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। तो इन सभी को भी याद रखिए, और इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। थॉर्नडाइक के जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, उसके बहुत सारे नाम हैं, और जो क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत है स्किनर का, उसके भी बहुत सारे नाम हैं। थॉर्नडाइक ने यूज किया था बिल्ली के ऊपर, इन्होंने चूहे और कबूतर के ऊपर। तो इन सब में जो डिफरेंस है वह पक्का याद रखिए। बांडूरा का सामाजिक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे? अल्बर्ट बांडूरा। इन्होंने प्रयोग किया था बॉबी डॉल जोकर पर। पुनर्बलन सिद्धांत या हल का सिद्धांत कौन है? सी एल हल। और इन्होंने भी बिल्ली और चूहे पर प्रयोग किया था। उपनाम क्या है? प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्निहित और सबलीकरण, सतत अधिगम, क्रमबद्ध, चालक, न्यूनता का सिद्धांत। ठीक है, ये तो है इसके नाम। पांचवा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्या है? इसके प्रतिपादक कौन थे? आईपी पेवलोव। इसका प्रयोग किस पर किया था इन्होंने? कुत्ते पर। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। पेवलोव ने किसके ऊपर अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किया है? तो वह कुत्ते पर। ठीक है, उपनाम इसके क्या है? शास्त्रीय अनुबंध, क्लासिकल अनुबंधित क्रिया का सिद्धांत। अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत और क्या क्या हैं ये ऊपर बताया, उनके अलावा समीपता का सिद्धांत, ये गुथरी का है। अधिगम सिद्धांत टॉलमैन का है। क्षेत्र सिद्धांत लेविन का है। अधिगम सोपान की गेने का है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत कॉल रोजर्स का है। और अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत ये किसका है? वर्दी मेयर, कोहलर, कोप का। और क्लासिकल अनुबंध किसका है? पावलोव का। ठीक है, इन सभी के भी नाम याद रखिए। फिर है कोहलर का अंतर्दृष्टि का या सूझ का सिद्धांत। जो कोहलर है उनका अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, ये क्या है? अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। इसके प्रतिपादक कौन थे? कोहलर। और यह प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया गया था। ठीक है, तो कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत क्या है? अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। कोहलर ने इसको प्रतिपादित किया था और इसका प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक था अधिगम, और अधिगम की परिभाषा क्या है, उसके बाद अधिगम की विशेषताएं, फिर अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत में थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसके उपनाम, इसका प्रयोग बिल्ली पर हुआ था। फिर है क्रिया प्रसूति का अधिगम सिद्धांत स्किनर का, इसका प्रयोग चूहे और कबूतर पर हुआ था। बांडूरा का सामाजिक सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत या हल्का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत, और कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। और दोस्तों इसमें से जैसे कि 30 क्वेश्चन टीईटी में आते हैं, मान लीजिए टीईटी को लेकर चल रहे हैं अभी, तो टीईटी में 30 क्वेश्चन के जो बाल विकास आता है, उसमें से कम इसी चैप्टर से अधिगम के बारे में ही कम से कम 4 या 3 क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए और बार बार पढ़िए, जिससे कि आपको ये सभी मनोवैज्ञानिकों के नाम और उनके सिद्धांत याद हो जाएंगे और आपको डाउट भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूंगा तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ पूरे इंडिया में जहां पर भी कोई भी नई जॉब निकलेगी या जो भी मेरे नॉलेज में आएगी, वो भी मैं उसके अपडेट्स भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ दोस्तों साथ साथ में, तो आपको ज़्यादा दूर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको कैसे क्या फॉर्म डालना है, वो भी मैं आपको टाइम टाइम पर बताता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।